So, से ख्याल चाल भाई तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं रेंस से तो आप लोग को याद होगा पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को एकदम खतरनाक वाली स्नाइपर मिल चुके हैं और अभी हम लोग रेंच के हं, हंटर बन चुके हैं शिकारी बन चुके हैं बाकी यार मैंने ऑफलाइन जाके भी थोड़ा बहुत काम किया था पहले मैं तुम लोग को वो दिखा देता हूं सबसे पहले मैंने यार एक घर रेडी कर लिया था क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं है हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड जा चुका है तो सारी चीज हम लोग को दोबारा और एकदम नई जैसी करनी है पर इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से मैंने एक घर तैयार कर लिया था

तो सारे के सारे पहले मैं अंडे इकट्ठे कर लेता तो देख लो कितने सारे अंडे हो गए हैं और चिकन के लिए भी ना मेरे को एक बड़ा सा घर बनाना है पर वो हम लोग बाद में करेंगे आज हम लोग को सारे के सारी की सारी काउस लेकर आनी है क्योंकि यार देखो काफी सारे नए एनिमल एड हो चुके हैं जो मेरे को पता ही नहीं है तो आज मैं उन एनिमल्स को लेकर आऊंगा और अंडे भाई हो गए क्या सारे एक सेकेंड ओके देख तो अंडे पता भी नहीं चलते यहाँ पे भी दो रखे इनको भी ले लो एंड इस बास्केट को मैं एक साइड में रख ओके तो यहाँ मैंने रख दी भाई मैंने रखा नहीं वैसे वो गिर गया एक और कट्टा लेकर आते दो कट्टे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं ताकि इनको बाद में मतलब जरूरत ना पड़े बाकी जब मैं चिकन के लिए घर पर दूंगा फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है एक यहाँ पे रख दो एंड पानी भी इनके पास पूरा होना चाहिए ना एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ओके एक काम करते ना इसको भी भरी देते हैं जब आ गए इसको भी पूरा फुल ही कर देते हैं ओके तो ये पूरा फुल हो चुका है इसको बीच में रख दो ताकि लोग पानी वगैरह भी पी लेंगे और एक सेकंड भाई दो अंडे यहाँ क्या कर रहे हैं इसको भी फटाफट से इसके अंदर रख दो ओके okay, तो अभी मैंने अंडा वगैरह रख दिया है वही खाने वाने का पूरा इंतजाम कर दिया है तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं ये सारी चीज़ें मैं बाद में सेट कर दूंगा ओके okay, तो यहाँ पे है तो यार लकड़ी काटने वाला मेरे को वैसे ज़्यादा वुड नहीं चाहिए तो एक काम करते हैं ना यहीं पर काट लेते हैं हम लोग अभी स्टोर पर नहीं जाते हैं स्टोर पर हम लोग बाद में जाएंगे फटाफट से मैं इसके अंदर लगा देता हूँ इसको एक मिनट यार मशीन भी तो चालू करनी है मेरे को पहले ओके अभी मशीन यहाँ पे चालू हो चुकी है अभी फटाफट से इसके अंदर लगाओ प्लैंक हम लोग को यहीं से मिल जाएंगे अभी मैं स्टोर से खरीद के नहीं ला रहा हूँ तो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक हो चुका है मुझे लगता है कि यार इतने ब्लैंक से एक काम चल जाएगा वैसे यहाँ पे दो लोग और पड़े हुए हैं ना तो एक काम करते हैं इन लोगों को भी पहले कट कर लेते हैं हो होगी तो अभी अपने पास काफ़ी सारे प्लैक हो चुके हैं मुझे लगता है कि यार इतने से काम चल जाएगा अपने को ज़्यादा नहीं लगेंगे एंड एक सेकंड में इसको चेक कर लिया पूरा खाली है ना ओके तो ये पूरा का पूरा खा लिया अभी मेरे कूलर के अंदर ना उस पिक को भी रखना है जो पिक का बच्चा मर गया उसको मेरे को सेल करके आना है ताकि अपने पास पैसे की कमी ना हो वैसे अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो पहले इसको ऑफ कर दो एक सेकंड ओके ऑफ हो गया ये फटाफट से मैं इसको कर ले ओके सिर्फ इतने ही ले जा सकता हूँ ना मैं एक बार में ओके इतने ही ले जा सकता हूँ और मेरे को ना यार गाड़ी भी खरीदनी है तो मैं अभी एक बड़ा सा ट्रक लेकर आवा क्योंकि मेरे को ना सबसे पहले काव लेकर आनी है काव में हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है तो पहले मेरे को वही लेकर आनी पड़ेगी फटाफट से अंदर चलते और यार मेरे को ये वाली घास भी काटनी थी तो उसके लिए भी मेरे को मशीन लेकर आने ओके okay, मैंने सारे लगा दिए यार इसमें तीन और लगने वाले हैं ना कोई दिक्कत की बात नहीं इस वाले गेट से चलो यार ये लोग बाहर ना निकल जाए अगर ये बाहर निकल गए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अभी ना इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा वुल्फ घूमते हैं तो अगर कोई भी हमारा एनिमल बाहर रहता है तो वुल्फ आके सीधे उस पर अटैक करेंगे और उसको खत्म कर देंगे इनको मेरे को बचा के भी रखना पड़ेगा और गई मैंने ना यार ऑफलाइन में ना घोड़ा भी खरीदा था जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था मुझे नहीं पता मेरा घोड़ा कहाँ पे मेरे को उसको भी ढूंढना पड़ गया यार मैंने काफी महंगा उसको लिया था मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद घोड़े को ना वुल्फ ने खत्म कर दिया क्योंकि मैं उसको बाहर छोड़ दिया था शायद मैंने अभी मैं उसको भी ढूंढने वाला हूँ बेचारा मेरा घोड़ा कहाँ चला गया बहुत ही ज्यादा सही था यार वो तो ओके तो अभी मैंने इसको भी यहाँ पे कम्प्लीट कर दिया है और अब जितने बा... और जितने बचे हुए प्लान है उसको मैं बाहर के साइड रख देता हूँ ये हमारे बाद में काम आ जाएंगे एंड यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज्यादा मतलब आयरन भी बच गया है इसको मैं पूरा फुल कर देता हूँ इसको पहले पूरा का पूरा फुल कर दो ओके तो अभी पूरा का पूरा फुल हो चुका है माइनस ट्वेंटी वन कोई दिक्कत की बात नहीं है एंड यहाँ एक सेकंड इसको मैं उठा लेता हूँ मेरे पास ना काफी सारी चीज़ हो गई सबसे पहले तो मेरे को घास भी काटनी है तो पहले एक काम करते हम लोग पहले गाड़ी खरीद के लाते हैं क्योंकि मेरे को एक बड़ा ट्रक चाहिए जिसमें मैं काव को लेकर आऊंगा और मेरे को बाना उसको और ज्यादा सही भी करना है एक काम करते हैं इसको यहाँ पे रख देते हैं घास यार कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई है घास काटने वाली है और मशीन मेरे को लेकर आनी पड़ेगी और उससे पहले हम लोग चलते हैं कार शोरूम पे वहां से हम लोग एक बड़ा सा ट्रक लेकर आते हैं वैसे मैं अगर चाहू तो सारी की सारी गाड़ियों को एक साथ ले सकता हूँ पर मेरे को एक साथ लेनी नहीं है मेरे को एक एक करके खरीदनी है एंड यहाँ एक सेकंड ये रिलोड है ना पूरी ओके okay, पूरी रीलोड है एक बार में एक ही गोली इसके अंदर पड़ती है ये दिक्कत की बहुत ज्यादा बात है एक साथ चार गोलियां पड़ जाती हैं बाकी मैंने यहाँ पे हिरन को मार दिया था इन सबको मेरे को सेल भी करना है ये सारी चीजें भी मैं अभी करने वाला हूँ क्योंकि यार देखो अपने पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा ना उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा तो फटाफट से पहले कार शोरूम चलते हैं और वहां से ना एक ट्रक खरीदते और एक सेकेंड यहाँ पे एक हिरण है ना इसको तो हेड शॉट दूंगा मैं अबे यार कैसे बच जाता है ये निकल यहां से ओके एक हिरन को मैंने यहाँ पे भी टपका दिया बहुत सही अभी दो दो हिरन हो चुके हैं सेल करने के लिए तो अभी हम लोग कार शोरूम पे आ चुके हैं फटाफट से यार गाड़ी खरीदते और ये बैंक का पता नहीं कब अपडेट आएगा भाई बैंक कब स्टार्ट होगी एंड एक और हिरन यहाँ पे घूम रहा है बेटा तेरी मौत यहाँ पे तेरे को लेकर आई है एक और मैंने टपका दिया भाई ये वाली राइफल ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एक गोली में एक बंदा खत्म हो जाता है मतलब एक एनिमल आराम से खत्म हो जाता है इसको अंदर रखो एंड जल्दी से अंदर चलो मेरे को ना अभी सबसे बड़ा वाला ट्रक लेना है तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे भाई गाड़ी को खरीद लिया मतलब गाड़ी नहीं भाई सबसे बड़ा वाला ट्रक हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ये रहा अपना ट्रक फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं अभी इसके अंदर ज्यादा ऑयल नहीं है पर काम चल जाएगा वैसे या फिर एक काम करते हैं पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं गैस स्टेशन के लिए एंड गैस स्टेशन पे चल के ना इसको पहले पूरा फुल कर देते हैं ये रहा गैस स्टेशन अभी आराम से आराम से आराम से एक तो भाई इतना ज्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है इतने दिन बाद खेलो तो फटाफट से निकलता है अभी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा ओके okay. तो पहले मेरे को स्टार्ट इसको करना पड़ेगा भाई मैं सारी चीजें धीरे धीरे भूल गया हूँ तो पहले इसको गैस स्टेशन लेकर चलते हैं इसको पहले पूरा फ्यूल मतलब फुल कर देते हैं उसके बाद जनरल स्टोर चलेंगे वहां से चल के भाई आज काव लेने वाला हूँ क्योंकि यार देखो काव और पिग्स में ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेल और फीमेल आज सारी ना काव खरीदी जाए पिग्स हम लोग बाद में खरीदेंगे और मैं ना उनके लिए नए बान हाउस बनाऊंगा वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले और मेरे को ऊपर के साइड जाना बैक हो जा बैक हो जा बैक हो जा ओके तो अभी हम लोग गैस स्टेशन की तरफ आ चुके हैं एंड मेरे को इसको यहाँ पे लगाना है और इसकी टंकी पूरी फुल कर देते हैं सेकेंड भाई इसका ओके इसको यहाँ से निकालो ओके तो अभी फ्यूल इसके अंदर फुल हो चुका है फटाफट से इसको यहाँ से निकालो इसके अंदर रखो अभी मैंने टंकी को पूरा फुल कर दिया तो टेंकी चल लेने की अपने को जरूरत नहीं है एंड अभी हम लोग को जाना है जनरल स्टोर वहाँ से चल के काव वगैरह खरीद के लेकर आनी है काव लेकर आऊंगा और अगर जगह बजती है ना तो मैं पिग्स वगैरह भी ले लूंगा वैसे काव से देखो ज़्यादा फायदा होता है उससे ज्यादा से ज्यादा बेबीज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा अपन लोग उनको सेल कर सकते हैं और रात हो चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले सो जाते हैं रात में बाहर जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि यार बहुत ज्यादा जंगली जानवर घूमते हैं तो पहले काम करते हैं ना पहले अपन लोग अपने रेंच पे ही चलते हैं और चल के ना पहले सो जाते हैं और ये देखो यहाँ पे एक हिरन भी घूम रहा है पर मैं अभी उसको मारने वाला नहीं हूँ मैं उसको आराम से बाद में मारूंगा और एक सेकेंड ओके तो मुझे लगा शायद टक्कर से अभी मर जाते हैं पर नहीं यार मतलब इस गेम में ना अपडेट में ऐसा हो रहा चाहिए कि हम लोग गाड़ी से भी नहीं इनको टक्कर मार के इनको खत्म कर दें तब ज्यादा बढ़िया रहेगा तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी रेंच पे और फटाफट से सो जाते हैं सुबह उठ कर चलेंगे भाई जना स्टोर पे हो गए तो अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं भाई जना स्टोर आज मेरे को काफी सारे काम करने हैं मतलब भाई सुबह उठते मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ेगा तो इसको बैक करो बैक करो बैक करो अबे मुर्जा मुझा मुर्जा मुर्जा वो भाई मुड़ता भी नहीं है यार ये वाले ट्रक की ना कंट्रोलिंग भी अभी तक इन लोगों ने सही नहीं किया है पता नहीं गाड़ियों की कंट्रोलिंग कब सही रहेगी बाकी जो मेरा बेचारा घोड़ा है वो तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मैंने उसको ना अपने घर के सामने ही छोड़ा था पर मुझे लगता है कि यार उस पर ना वुल्फ ने अटैक वगैरह किया होगा और वो यहाँ से या तो भाग गया या फिर उसने वुल्फ ने ही खत्म कर दिया है तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा नहीं तो मैं एक नया घोड़ा परचेज करने वाला हूँ क्योंकि घोड़े से घूमने में भी ना मजा आता है भाई कुछ भी बोलो तो गाइस अभी हम लोग ट्रक को लेकर जनरल स्टोर पहुंच चुके हैं फटाफट से चल के यार शॉपिंग वगैरह करते हो और अभी भी एक वीट की बोरी यहीं पे पड़ी हुई है जो मैं छोड़ के गया था तो इसको भी मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा हेलो मैडम क्या हाल चाल है आपके मैं वैसे बहुत दिन बाद आ रहा हूँ तो गई सभी मैंने काफी सारी काव खरीदी है तुम तो लोग यहाँ पे देखो मतलब चार वेरिएंट में यहाँ पे काव मिल रही थी तो मेरे चार मेल और चार फीमेल ही हैं ये भी मेल है ना ओके तो भाग कर रहा है भाई कोई यहाँ से भागेगा नहीं सबको गाड़ी के अंदर अभी जाना है इसको ना इसके अंदर शिफ्ट करते एक सेकंड भाई मैं कार के अंदर क्यों बैठ जा रहा हूं मेरे को इनको लेकर जाना है अब एक गया कहाँ ये देख रहे हो कितना बड़ा लग रहा है यार ये ये साइज में गई कितना तो ज्यादा बड़ा है तो इसको मेरे को इसके अंदर बैठाना है ना बहुत सही एक तो अंदर चला गया एक को और अंदर लेकर जाना है इसके अंदर बैठा लो ओके दो आ गए एक साइड में मतलब चार आएंगे कितने आएंगे दो आएंगे मेरे को नहीं पता ओके चार ही आ सकते हैं एक बार में तो मेरे को इनको जल्दी जल्दी से लेकर जाना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैंने इतने सारे खरीद तो लिए हैं ये सारे मर वर ना जाए तो इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इसको भी अंदर बिठाल ओके बहुत सही मैंने चार इसमें बिठा दिए और दो गायब हैं मैंने छह टोटल लिए थे ना ओके तो दो यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये ना चार कलर में थे एक मिनट मैंने चार नहीं मैं तो ज्यादा खरीद लेंगे इस मैंने आठ खरीदे हैं भाई मैंने ध्यान भी नहीं दिया चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने अच्छा चार वेरिएंट के थे मैंने सबके दो दो लिए लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी अपने पास इतना, इतना स्पेस है कि हम लोग रख सकते हैं बस गाड़ी मेरे पास नहीं है तो हम फटाफट से इनको लेकर चलते हैं और जल्दी से मेरे को दोबारा वापस भी आना है इससे पहले इनको कोई मार दे क्योंकि यार ना अभी ना जंगल के अंदर भाई वुल्फ का ना अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे भालू अटैक करे ना करे आके वुल्फ इनको ज़रूर मार देगा तो मेरे को इन्हें जल्दी से जाना है मैं फटाफट से बाना उसके अंदर ही रख कर आऊंगा मैं इसको बाहर भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि जहां पे मेरा रेंच है ना वहां पे भी बहुत अटैक होते हैं तो अभी हम लोग रेंच पे भाई आ चुके हैं फटाफट से बाना उसके साइड चलते हैं और यहाँ पे ना यार पेड़ बहुत सारे हैं इन पेड़ों के ना मेरे को साइड करना पड़ेगा और इसको मैं अंदर कैसे लेकर जाऊंगा ये भी बड़ा रिस्क का काम है मेरे को फैंस वगैरह यार आगे के साइड लगानी चाहिए थी पर अभी मैंने फैंस नहीं लगाई है ना तो अभी मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क से इनको लेकर जाना है एक एक करके ना इनको उतारता दो नीचे ओके इसको मैंने नीचे निकाल दिया अभी भाग का है भाई भाग के कोई कहीं नहीं जा सकता इधर आ जाओ इधर आ जाओ साइज देख रहे हो इसका इतना ज्यादा बड़ा है कि मेरे को उठा उठा के फेंके पर यह भी मेरे को मार नहीं सकता अगर इसने मेरे को भाई मारा भी ना एक गोली में ना खत्म ही कर दूंगा मैं इसको मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। कोई नहीं भाग सकता बेटा कोई नहीं एक बार जो यहाँ पे आ सकता है कोई बाहर नहीं जा सकता एक एक करके सबको लेकर जाना ये फीमेल है ना हाँ ये फीमेल है इसलिए इसका साइज इतना ज्यादा छोटा है वो मेल है शायद इसीलिए उसका साइज इतना बड़ा है ओके हाँ वो मेल है इसीलिए उसका साइज बड़ा है इसको अंदर लेकर चलो आ जा आजा जा मैं ना मतलब बाद में ना ऐसा बाना उस बनाऊंगा ना जिसमें ना काव को अलग कर दूंगा पिक्स को अलग कर दूंगा सबको अलग अलग रखूंगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा अभी मेरे को इस साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि यार वो तो गेट पे ही खड़े हैं भी मैंने सारी की सारी काओ को भाई बानहा उसके अंदर शिफ्ट कर दिया और यार मैंने ना एक गलती कर दी मेरे को ना मेल वाले ना काओ को इतना ज्यादा लेना नहीं चाहिए था मेरे को सिर्फ फीमेल वाले लेने थे क्योंकि मेल तो दो से भी काम चल जाता था मैंने चार लेकर ना गलती कर दी चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे यहाँ पे इनके बेबीज हो जाएंगे ना छोटे मतलब बच्चे आ जाएंगे तो मैंने इनको मेल वालों को मार के सेल वेल कर दूंगा अपने किसी काम के नहीं रहेंगे तो फटाफट से चलते हैं भाई जाना स्टोर की तरफ कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां पे पहुँचूँ और वो सारे के सारे खत्म हो गए हों तो अभी हम लोग जनल स्टोर आ चुके हैं और यहाँ पे तुम लोग देखो मेरी काव भाई बाहर ही घूम रही है तो सबसे पहले ना फीमेल वाली को मैं अंदर रखता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ना बहुत जरूरी है अबे आजा, आजा 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 बहुत सही अभी मैं इसको अंदर रखता हूँ एंड ये ओके तो ये भी फीमेल है इसका साइज थोड़ा बड़ा है इसका मतलब देख रहे हो वोल के जैसा साइज है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा ही अपने लिए दो का मतलब चार का साइज थोड़ा बड़ा है चार का छोटा है ना ये चीज मैंने अभी नोटिस की बाकी के दो कहाँ चले गए भाई चारों यहीं पे तो घूम रहे थे को आगे के साइड जाके देखना पड़ेगा भाई दो ओके एक ये रहा ये रहा ये भी फीमेल है और मुझे लगता है कि वो वाली भी फीमेल है ओकी तो ये चारों की चारों फीमेल है और जो मैं अभी लेकर गया हूँ शायद उनमें से दो मेल है और बा, बाकी फीमेल अभी यार मैं उसको पीछे क्यों छोड़ के आ गया भाई ओके यार ये तो बहुत सही आ जा आ जा आ जा आ जा, जा, जा बहुत सही ओकि तो अभी सिर्फ एक गाय बची हुई है बाकी सारी की सारी गाय को मैंने अंदर भाई ट्रक के चढ़ा दिया भाग कर ये भाई जल्दी आ जाए एक सेकेंड ये तो फीमेल नहीं है ना गाइस ये तो मेल है और इसका साइज देख रहे हो कितना ज्यादा छोटा है यार मतलब इनके ना सींग है ना वो अलग अलग है देखो इनके इसके सिंग देखो कितने नुकीले और कितने खतरनाक है बाकी जो फीमेल है ना उनके सिंग अलग है और इनके सिंग अलग है ये फर्क मेरे को अभी दिखाई दिया तो कोई दिक्कत की बात है इन चार को भी मैंने बैठा लिया इनको भी बाना हाउस के अंदर रखते हैं वैसे इनके हिसाब से ना अभी अपना बाना हाउस ना काफ़ी छोटा है पर कोई दिक्कत नहीं है जल्दी मैं बाना हाउस को ना काफ़ी बड़ा बनाने वाला हूँ मतलब मैं दो तीन हिस्सों में ना उसको डिवाइड कर दूंगा एक में काव रहने वाले हैं एक में पिग्स रहेंगे तो ऐसे डिवाइड कर दूंगा और बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने का प्लान है तो अगर वैसा बन जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाला है तो अभी हम लोग आ चुके हैं दोबारा से अपने रेंच पे और इनको भी यार जल्दी से अंदर करते हैं यार इसको ना अंदर ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है और ये देखो देख रहे हो कितना बड़ा पेड़ है इसके वजह से पूरा का पूरा ट्रक ही रुक गया इसको पहले काटो गाय भी हो गया ओके एक काम करते ना इसको यहीं पर निकाल देते हैं ओके एक सेकेंड मैं क्यों बैठ जाता हूँ यार ट्रक के अंदर मेरे को नहीं बैठ रहा है इनको निकालना है हैं कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई ये कहाँ भाग रहा है कहाँ भाग रहा है भाई कहाँ भाग रहा है इधर आ जाओ इधर आ जाओ चुपचाप से ओके कोई है तो नहीं इधर पिग है यार इसको अंदर रखने के चक्कर में पिग ना निकल जाए बाहर ये डर लग रहा है मेरे को कोई नहीं आ आ आ जाओ 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 जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ पिक निकला पक्का पिक निकला बाहर आ गया आ आ आ गया 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 बहुत सी बहुत सी बहुत सही सबको मैंने अंदर रखने है। खाना यहाँ पे काफी ज्यादा मैं यहां पर इनको फिल कर सकता हूँ क्या नहीं मैं यहाँ से नहीं कर सकता मेरे को अंदर से करना पड़ेगा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है मेरे को पानी का इंतजाम भी करना है मैंने पानी का करा ही नहीं है पानी का इंतजाम भी करना है नहीं तो ये सारे के सारे टपक जाएंगे खाना तो इनके पास बहुत ज्यादा है बस पानी इनके पास नहीं है तो मेरे को पानी का भी इंतजाम इनके लिए करना पड़ेगा यार पानी का इंतजाम नहीं किया तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो अभी मैंने सारे के सारे काउस को अंदर कर दिया और भाई इनको अंदर करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि चारों तरफ इधर से उधर निकल रहे हैं बाकी इनके खाने पीने का इंतजाम मेरे को करना पड़ेगा और जितने भी मैंने जानवरों को मारा है ना उनको सेल करके आना है और जो पहले से मरे हुए हैं उनको भी मेरे को सेल करके आना पड़ेगा ताकि ये खराब ना हो तो एक काम करते कूलर लेते हैं उसके अंदर इनको उठा के रखते हैं एक सेकेंड इस वाले कूलर को एक काम करते हैं यहाँ रख देते हैं एंड दूसरे कूलर को भी मैं यहीं पर रखने वाला हूँ वैसे कूलर ना मेरे पास काफ़ी कम है करीब दस से पंद्रह या बीस कूलर में ना उठा मतलब खरीद के रख लूंगा पहले से ही तो इसको यहाँ पे बंद करो और अंडे ना मेरे पास और भी हो गए हैं तो अंडों को भी सेल करके आना है क्योंकि यार अंडे भी ना मतलब खराब ना हो जाए काम करते इसको यहाँ पे तोड़ो अरे एक ही निकला यार इससे दो तो इसको तो मैं खुद ही बाहर ले जा सकता हूँ इसको तो मैं खुद ही अंदर रख देता हूँ अभी लेकर चलते हो रास्ते में जितने भी मैंने हिरन को मारा ना सारे के सारे हिरन को सेल करके आते हैं तो ये रहा अपना पहला हिरन रुक 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 जा जा है गाड़ी मैंने उसके ऊपर ही चढ़ा दिया अभी इसको निकालना नहीं था इसको पहले पूरे इसकी स्किन निकालो सिर्फ तीन निकल रहा है यार इतने बड़े के अंदर से भी तीन निकल रहा है कम से कम अब तो ज्यादा कर देना चाहिए यार ज्यादा तीन से ज्यादा निकलना चाहिए एक इस साइड मैंने कहीं इसको मारा था ना एक सा, इस साइड में मैंने मारा था भाग रहा था कोई तो। एक सेकेंड एक इधर है ना अबे यार ये तो जिंदा है हेलो कहाँ गायब हो गया एकदम से बुरा 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 लगी नहीं उसको पेड़ में मार रहा हूँ भाई मैं भी ये मतलब राइफल इतनी तकड़ी दे रखी है आवाज नकली सी है फिर भी इसकी ये अब मारा पक्का मारा भाई देख रहे हो क्या गंदा मैंने शॉट मारा से आ रहा है स्लाइड करते करते नीचे आ गया चलो इसको भी उठा लेते हैं और एक साइड मैंने इधर भी शायद मारा था अच्छा वो पड़ा देखो मैंने इधर भी मारा चार इन टोटल मैंने मार दिया सबको सेल करके आते हैं थोड़ी बहुत तो कमाई होनी चाहिए यार इसकी भी स्किन निकालो तीन ही मिलने वाला है इनसे तो तीन ही मिलने वाला है उसको भी मैं ऐसे ही चल के ले लेता हूँ इसकी भी स्किन निकाल दो बहुत सही तो अभी एक और हिरन रह गया वो कार शोरूम के पास है उसको भी उठा लेते हैं और मैं वहीं बर्गर शॉप पे बेच दूंगा बर्गर शॉप पे सही सही रेट चल रहा होगा सही रेट चले ना चले अभी तो मैं फ़िलहाल वहीं पे सेल कर दूंगा अभी मेरे को अपने पास रखना ही नहीं है इसको इसकी भी स्किन यहाँ से निकालो और फटाफट से सेल करके आते हैं और मेरे को देख आना है बर्गर शॉप अभी खुली है फिर बंद तो नहीं हो गई क्योंकि भाई रात हो चुकी है और रात में ना ये बंद हो जाती है देखो इसे यहाँ पे सेल करना है ना 1.7 वन पॉइंट सेवन का चल रहा है ना सही चल रहा है चलो बेच देते हैं ज्यादा कुछ महंगा नहीं बिका चलो कोई दिक्कत की बात नहीं फिर भी अपना काम चल जाएगा वन थर्टी फाइव डॉलर ही अपने को बस मिले दो सौ चालीस डॉलर का भाई अपन लोगों ने सारे का सारा सामान सेल कर दिया है बाकी अभी खतरनाक वाली रात हो चुकी है तो अभी अपने को यहाँ से चलना पड़ेगा और भाई मेरे सर के अंदर भी लाइट है ना इस वाली लाइट को भी ओपन कर लेते हैं और फटाफट से अपन लोग घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि रात में तो मैं कहीं पे भी नहीं घूमने वाला हूँ बाकी यार इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोग को पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना कमेंट करके यार जरूर बताने की आप लोग को रेंज के वेड कैसे लग रहे हैं बाकी ऑफलाइन भी यार मेरे को थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं जैसे घास काटने हैं पेड़ वेड़ काटने हैं वो सारा काम भी मेरे को करके रखना पड़ेगा बाकी इस वाले वीडियो को यही बैन कर हैं मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय